हाय, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। लेकिन अभी तो बहुत गर्मी है, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा लाइट बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, कांदा, लहसुन और प्याज का रस लेके चिकन बनाएंगे। वो हमारे लिए लाइट भी होगा और हेल्दी भी होगा। चलिए मैं बनाती हूँ कैसे, आप देखिए। ये मैं चिकन रखा, मैरिनेट करके आधा पीस नींबू और काली मिर्च पाउडर देकर। उसके लिए लगेगा थोड़ा सा गरम मसाला, अखा, दालचीनी, लौंग, इलायची एंड ब्लैक पेपर। ये गरम मसाला पाउडर है, ये नमक है, ये चीनी है, टर्मरिक पाउडर है, क्यूमिन सीड पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है, टमाटर है, लेमन, अदरक, लहसुन, कांदा, ग्रीन चिली, मस्टर्ड ऑयल एंड घी। ये जिंजर कटे हुए, आधा ऑनियन, इसका मैं पेस्ट बनाएंगे। अभी मैं टमाटर काटती हूँ, उसका भी पेस्ट बनाएंगे, लेकिन बीज निकाल के। बीज हमारा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, खास करके जो लोगों का डायबिटीज है। बीज हमारा हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, खास करके जो लोगों का डायबिटीज है, बीज निकाल के खाए तो बहुत ही अच्छा है। ग्रीन चिली का भी बीज निकाल दीजिए। ग्रीन चिली का भी बीज निकाल के खाएगा तो हमारा हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बीज हमारा हेल्थ के लिए थोड़ा खड़ा भी करता है। इसका भी मैं पेस्ट बनाती हूँ, ये टमाटर और ग्रीन चिली का पेस्ट। अभी मैं लेमन रस बनाती हूँ। आधा पीस कांदा बारीक काट रही हूँ मैं, क्योंकि जब
मुंह में गिरेगा तो ज्यादा बड़ा बड़ा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा हम लोग को खाना। इसमें मैं 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल, 1 और 2 ऑर्गेनिक काउ मिल्क काउ घी मैं 1 चम्मच डालती हूँ। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, फायदेमंद है। घी तो हमारा रोज के खाने में जरूरत है। पहले मैं इसमें डालती हूँ दालचीनी, इलायची, ब्लैक पेपर, अभी कांदा फ्राई हो गया, मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन एंड कांदा का रस। इसमें मैं डालती हूँ हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, थोड़ा सा चीनी, जीरा पाउडर। अभी मैं मैरिनेट जो मैं हाफ एन आवर मैरिनेट करके रखा, हाफ पीस लेमन जूस एंड काली मिर्च पाउडर भी, ये मैं डाल दूँ। इसमें मैं थोड़ा नमक देती हूँ। चिकन ऑलमोस्ट पक के अभी मैं इसमें देगा टमाटर प्यूरी। कितना अच्छा फ्राई हो गया। अभी मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो डाल रही हूँ। फिर मैं ढाक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये पक गया, इसे मैं थोड़ा सा गर्म पानी में हॉट वाटर देते हैं। एक कप पानी में इतना पानी दिया। ये 750 ग्राम चिकन है।
दे रही हूँ काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। गैस कम करना है क्योंकि लेमन रस नहीं तो देने से कड़वा हो जाएगा। ये लेमन रस गरम मसाला स्प्रिंकल कोरिएंडर लीव्स गैस ऑफ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, गरम गरम चावल व रोटी के साथ खाइए और देखिए कितना टेस्टी चिकन का रेसिपी है। गर्मी का दिन में बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए चिकन भी एकदम कुक हो गया।